हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फ्री एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पाम का एनालिसिस करेंगे और इनके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँ, ये एक लेडी का पाम है और इनकी जो प्रेजेंट की एज है वो 26 ईयर है, ठीक है। इनका जो क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है कि इनके आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी और इनके लाइफ में फैमिली की टेंशन बहुत है, तो क्या इनको कभी निजात मिल पाएगा उस टेंशन से, और इनकी जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, और मनी मैनेजमेंट कि पैसे कैसे रहेंगे लाइफ में, इन सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। सबसे पहले तो इस पाम में सबसे पहले जो नज़र जाती है इस पाम के कलर पे, बहुत पिंक कलर पाम आपको भी प्रतीत हो रहा होगा। तो जब ऐसा कलर हो तो निसंदेह आपके लाइफ में पैसे की आगमन अच्छी रहेगी, धन की आगमन जो है वो काफ़ी अच्छी खासी दिखाई देगी आपको। आप पैसे के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइफ के स्टार्टिंग फेज से, वैसे भी एक इंडिकेशन है, मैं आपको दिखाऊँगा जब मैं लाइफ लाइन पर आऊँगा, कि आप स्टार्टिंग स्टेज से इंडिपेंडेंट होंगे और आप पैसे कमा पाएंगे अपने लाइफ में। इनका जो दूसरा क्वेश्चन था, इनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, इनकी जो पारिवारिक टेंशन इनको है, इनका लोग बाग इनके अनहित करते हैं, इनके परिवार में वो इनको देखना नहीं चाहते, तो वो सब चीज़ें क्यों है और वो कितने दिन तक इनको परेशान करेगी। तो देखिए, फैमिली, जो फैमिली रिलेटेड टेंशन है वो दो तरह से मोस्टली देखा जाता है। सबसे पहले जुपिटर अगर आपका अच्छा हो, या जुपिटर से हम ये देखते हैं कि आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख जुपिटर और शुक्र से, बृहस्पति और शुक्र से हम देखते हैं पारिवारिक सुख कैसी रहेगी, सामाजिक सुख कैसी रहेगी, समाज में कोई किसी प्रकार की अवहेलना तो नहीं रहेगी, ये सब हम शुक्र और जुपिटर बृहस्पति से देखते हैं। तो हाँ, आपके जीवन में फैमिली की टेंशन रहेगी क्योंकि आपके पाम से वो चीज़ें दिख रही है। आप ये देखो, आप अपना, आपके पाम पर जो ये शुक्र का पोर्शन है, शुक्र एक मीडियम में उभार ले हुए, लेकिन शुक्र पे जो लाइनें हैं ये काफ़ी ज़्यादा, आप देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की लाइनें हैं। जब ऐसी लाइनें हो किसी के भी शुक्र पर तो 200%, वैसे लोगों के जीवन में पारिवारिक टेंशन रहती है, सामाजिक टेंशन रहती है, वो किसी के लिए कुछ भी अच्छा भी कर दें लोग उनका नाम नहीं लेते, उनको जस नहीं देते, उनके किए हुए का उनको फल नहीं मिलता। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा, ये इनका मूल, आप देखिए ये मूल इनके शुक्र पर है, ये आप जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जब ऐसा कोई मूल किसी प्लैनेट पे हो, शुक्र पे हो, या सब प्लैनेट पे अलग अलग इफेक्ट है इनके, जब शुक्र पे हो तो मेनली शुक्र पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, दाम्पत्य जीवन के सुख को दर्शाता है, तो उसमें थोड़ी कमी करता है, और उसमें थोड़ी नहीं, उसमें कमी ही करता है। शुक्र पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस की लाइनें भी हैं जो मैंने आपको पहले बताया, तो वैसे में, और ये मोल भी साथ में है, तो इनको जो पारिवारिक सुख है उसमें बहुत बहुत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। और ये इनसे मेरी बात हुई और इन्होंने कहा भी कि हाँ, मैं लाइफ में बहुत तरह के टेंशन है फैमिली रिलेटेड मामले में, और ये टेंशन कितनी दिन रहेगी, तो ये टेंशन कितने दिन रहेगी, देखिए शुक्र पे आपके ये लाइन है, ठीक है, तो वैसे में ये टेंशन दर्शा रही है, तो ये इसका कुछ उपाय आप करिए, ये इसका मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपके लिए। ये लाइन जैसा जैसे डायरेक्ट से लाइट होती चली जाएगी, वैसे वैसे टेंशन थोड़ी बहुत कम होगी। अब पूरी तरह टेंशन से निवृत्त होने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, ये कोई नहीं कर सकता, हाँ अपने पर नियंत्रण करके रखना है, होशो आवाज़ से काम करना है, दूसरे पर, दूसरे से उतना ही उम्मीद करना है जितना वो आपको, आपके लिए कर पाए, तो वो टेंशन थोड़ी कम आपको फील होगी, लेकिन जब ये इंडिकेशंस हैं तो टेंशन तो आपको झेलनी पड़ेगी। अब मैं इनके पाम का, इनका जो तीसरा क्वेश्चन था कि इनके लाइफ में प्रोग्रेस कैसी रहेगी, तो प्रोग्रेस अच्छी आपके लाइफ में दिख रही है, जब मैं आपके लाइफ लाइन पर आऊँगा तो मैं दिखाऊँगा कि प्रोग्रेस कैसी है। अब इनके पाम के जनरल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, वहाँ से कुछ बातें क्लियर होंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, इनके पाम पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे भी इंडिकेशंस हैं जो इनको बहुत कुछ दिलवाएंगे भी इनके लाइफ में, इसमें भी कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं उस साइन पे भी आने वाला हूँ, मैं उस साइन के विषय में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे, काफ़ी उम्दा किस्म के चिन्ह हैं इनके पाम पे जो बन रहे हैं। ये आप पहले, आप इनके पाम को देखें, ये पाम यहाँ से
ऐसे करने पर कंप्लीट स्क्वायर स्पैम होता है। तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, वैसे लोग मेहनत से नहीं भागते। अब स्क्वायर स्पैम हो कि नहीं का भी, तो वैसे लोग मेहनत करने के प्रति अग्रसर रहते हैं और मेहनत से झिझकते नहीं हैं। अब ये चीज़ देखिए, इनका जुपिटर फिंगर इनके सन से छोटा है। जब जुपिटर फिंगर छोटा रहता है सन से, सूर्य फिंगर से, तो वैसे में हिम्मती नेचर होगा इनका, डेडिकेटेड होंगी अपने कार्य को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र में, और ये अपने लाइफ में अच्छे खासे मुकाम को भी हासिल करेंगी ड्यू टू इनके सूर्य फिंगर के हिसाब से। और सूर्य माउंट पे भी कुछ बहुत अच्छे इंडिकेशन है, वो मैं जब आऊँगा तो मैं बताऊँगा। बहुत स्पेशल साइन है इनके सूर्य माउंट पे। और जब जुपिटर फिंगर ऐसा हो तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा जुपिटर फिंगर इमोशनल दिखाता है इंसान को। जब ऐसा जुपिटर फिंगर हो, इधर ऐसे बैंड लिया हुआ हो और आगे का पोर्शन इतना नुकीला हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन की जो इमोशनल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लोगों पर जल्दी बिलीव कर लेते हैं, लोग उनके बाद उनको परेशान करते हैं, ईगो हर्ट करते हैं। और यहाँ पर भी एक आपको होल दिख रहा होगा, क्योंकि लाइन के बीच में गैप है। जब ऐसे गैप रहे तो इंसान के पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, वो पैसा टिकता नहीं ज़्यादा, वो पैसा खर्च हो जाया करता है। सैटर्न फिंगर भी एकदम सीधी है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनत से ऐसे लोग नहीं भागते, मेहनत करने के प्रति ऐसे लोग हमेशा अग्रसर और एक्टिव रहते हैं। और इनका इनके बुध फिंगर काफ़ी छोटी रह रही है। जब ऐसी छोटी बुध फिंगर रहे तो वही बात हो जाती है, चीज़ों को संभाल के रखना, चीज़ों कोई भी चीज़ को रख के भूल जाना, ये सब चीज़ की प्रॉब्लम होती है। हाँ, और इससे एक प्रॉब्लम और भी रहती है। एक मेरे पास जब भी ऐसे बुध फिंगर वाले पाम एनालिसिस के लिए आते हैं, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप होशो आवास में अपना काम करो, कहीं भी बिना किसी वजह के आप सिग्नेचर मत करो। आप कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के सिग्नेचर को, हो सकता है ये परेशानी भरा हो आपके लिए। हाँ, इनसे इस बात की पुष्टि भी हुई, इन्होंने बताया भी, हाँ मैं सिग्नेचर एक दो जगह में लाइफ में दो तीन बारी चार बारी ऐसी घटना घट चुकी है कि मैंने कर दिया बिलीव करके और मेरे वो चीज़ चले गए, धन संपत्ति, ज़मीन जायदाद, कोई भी चीज़ वो उनके लाइफ से चली गई। तो ये चीज़ें मैं जिन भी व्यक्ति के ऐसे बुध फिंगर है, तो मैं उनको बताऊंगा, अपना कोई भी आप काम करो, कोई भी फाइल पर सिग्नेचर करो, या कोई भी नया प्रॉपर्टी खरीदो या बेचो, तो आप होशो आवास में उसको पढ़ो, फिर उस पर सिग्नेचर करो। अब मैं इनके पाम के प्लैनेट पे आता हूँ। तो ये इनका जुपिटर प्लैनेट है, आप देखिए ये एक मीडियम में उभार है, ना कोई बहुत ज़्यादा उभार है ना कोई बहुत कम है। इधर से थोड़ा दबा हुआ है, इधर से उठा हुआ है। जब इधर से थोड़ा दबा हुआ है तो फैमिली की टेंशन रहती है, फैमिली समस्या रहती है। जुपिटर से भी इनके लाइफ में फैमिली की प्रॉब्लम दिख रही है। अब इनके जुपिटर पर कुछ एक इंडिकेशंस हैं जो थोड़े ठीक नज़र आ रहे हैं मेरे को। ये एक क्रॉस बना हुआ है, जब जुपिटर पर क्रॉस बना रहे तो सुधार, जीवन में सुधार, जीवन शैली में सुधार, आने वाले समय में आपके जीवन में और सुधार देखने मिलेगा। चूँकि क्रॉस बन रहा है तो क्रॉस बनने का मतलब भी होता है कि लाइफ में सुधार, ठीक है। क्रॉस बनने मतलब आपके मटेरियल लाइफ, आपके करियर वाइज, आपके एस्टेब्लिशमेंट को लेके, ये सब चीज़ों में ये सुधार दर्शाता है। और गुरु वलय भी थोड़ा बहुत दिख रहा है मेरे को। एक तो ये जब गुरु वलय किसी के पाम पे रहे, वैसे लोग धार्मिक रहते हैं, धर्म के प्रति आस्था रहती है। हाँ, समय के अभाव की वजह से अगर वो कोई पूजा पाठ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो उनके मन में एक आस्थावान होते हैं और एक सदाचारी व्यक्ति होते हैं, और वो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी अध्यात्म धर्म कर्म की चीज़ों को करने में पीछे नहीं हटते। इनके सैटर्न माउंट पे इधर से दबा हुआ है तो इनमें भी किसी प्रकार की आलस्य की समस्या नहीं होगी। ये एक्टिव रहती होंगी हमेशा, और एक्टिव से ही ये सारा कार्य करती होंगी। एक्टिवनेस अच्छी खासी रहती है इनके ऐसे लोगों के जीवन में। जब यहाँ से भी सैटर्न का इनका उभार है इनके पाम पे, तो यहाँ से जब उभार, तो सैटर्न की क्वालिटी इनको मिलेगी, मेहनत का नेचर रहेगा इनका, मेहनत करके अपने लाइफ में ये आगे बढ़ेंगे। फिर अब इनके पाम पे आप देखें तो एक सैटर्न पे यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा है। तो बेसिक नॉलेज ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी पाई गई है। सो विद्या रेखा हो और छोटी सी विद्या रेखा है, तो ज़रूर ये लोगों को सामाजिक ज्ञान और बेसिक नॉलेज ज़रूर होगा। अब इनके सन पे आते हैं, तो मैं बता भी रहा था कि सन पे ऐसी कौन सी इंडिकेशंस है जो इनके पाम को बहुत खास बना रही है। तो आप ये देखिए, इनके सन पर कंप्लीट एक स्क्वायर बना हुआ है, और सॉरी स्क्वायर स्टार बना हुआ है। ये दूसरे पिक में मैंने एकदम क्लियर रूप से देखा था। ये देखिए, ये कन्फर्म एक स्टार है यहाँ पे, और एक स्टार ऊपर भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। जब नीचे स्टार है तो वैसे इंसान का स्टार्टिंग पीरियड थोड़ा सा मेहनत वाला होता है, और धीरे 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 वो सफलता को पाते हैं। जब इस एज में आएंगे, तकरीबन इनका एज 45 के आसपास होगा, तो इनके लाइफ में अपार सफलता मिलेगी। ये कुछ अपार, कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम करेंगे जिनसे इनको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम प्राप्त होगा इनके लाइफ। और ऐसा स्टार जब रहे तो इंसान
के लाइफ में जो सन की पावर होती है, जैसे इंडिकेशन साइन क्या करते हैं, साइन आपके प्लैनेट के पावर को बढ़ाते हैं, या आपके इंडिकेशंस जो आपके पाम पे है, सूर्य रेखा उसके स्टार बन गए, लक लाइन पे स्टार बन गए, तो उसके पावर को वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब आप इनके पाम पे सूर्य रेखा देखें, एक सूर्य रेखा पे यहाँ से चली है, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं मिसिंग भी है बट सीधी चली है, एक स्टार इनके सूर्य रेखा में यहाँ पर भी है। ये देखिए, ये देखिए, एक तो एक स्टार यहाँ पर भी, जब यहाँ स्टार है इनको नसीब से इनको इनके लाइफ में इनको जॉब प्रोफेशन मिलना था इनके 21 साल के आयु से, 21 से 22 साल के आयु से, मैंने बात भी हुई इनसे, इनके इनको ये जॉब भी उसी टाइम इनको मिली थी, ये गवर्नमेंट फील्ड में ही है। ठीक है, इनको वहाँ से इनको जॉब भी उसी एज में इनको मिली थी, तो वो 21 साल में ही इनके जॉब के योग बन रहे थे, इस स्टार की वजह से कम मेहनत में अच्छी खासी सफलता दर्शाता है, तो ये इनको जॉब भी उस पीरियड में इनको मिला और ये आज जॉब कर रही हैं और एक इस्टेब्लिश हैं, और चूंकि ये स्टार इनको इस्टेब्लिश कर दिया है। फिर मैं अब बात करता हूँ इनके पाम के और प्लैनेट पे। ठीक है, अब इनके बुध को देखिए, बुध भी इनका उभार है बट बुध फिंगर छोटा है, तो जैसा उभार जब है तो ऐसे इंसान कम्युनिकेट कर लेता है बट कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चूँकि बुध फिंगर छोटा है तो वो अपने भावनाओं उनके मन में रह जाती है, बहुत तरह की उनको व्यक्त करने में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब फिर मैं देखता हूँ इनके पाम पे मंगल को, ये मार्स भी इनका मीडियम है, जब मीडियम में मार्स है तो एनर्जी रहती है शरीर में अच्छी खासी, बट ऐसा मार्स एक दो लाइनें भी, जब ऐसी लाइनें किसी के मार्स पे हो तो इसमें 100% इंडिकेशंस आते हैं कि वैसे लोग के लाइफ में एक दो बार केस मुकदमा या कोर्ट कचहरी का चक्कर उनको देखना पड़ता है, इनको भी हो सकता है कि उनका वो सामना करना पड़े या कोई प्रकार के लिटिगेशंस या किसी प्रकार के विवाद का सामना करना पड़ सकता है इनको लाइफ में। अब इनके पाम पे में चंद्रमा होता है, चंद्रमा इनका कोई बहुत खास नहीं है, मीडियम में इधर से दबा हुआ है, इधर से उठा हुआ, जब इधर से कोई चंद्रमा दबा हुआ हो यहाँ पर इस पोजिशन से तो 100% वैसा लोग के लाइफ में ऐसा पीरियड आता है कि वैसा लोग बहुत डिप्रेसिव होते हैं, और जब यहाँ से दबा हुआ हो और चंद्रमा पर कहीं कहीं आप देखिए इनके चंद्रमा पर एक जगह यहाँ पर क्रॉस है, जब चंद्रमा पर क्रॉस रहे तो इंसान के लाइफ में चीज़ें कुछ विपरीत होती नज़र आती है, उनको डिप्रेशन में वो लोग रहते हैं, वो लोग को ब्लैंकेट्स की समस्या आती है, मैं कभी कभी करते करते एकदम ब्लैंक हो जाना, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्या करूँगी, इस चीज़ में उनको काफ़ी समस्या झेलना पड़ता है। मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना जब ऐसा चंद्रमा हो, तो वैसे इंसान डिप्रेशन में या फिर चिंता में रहते हैं किसी प्रकार की, डिप्रेशन कहने का सेंस वही हो गया चिंता। लेकिन चंद्र पर्वत पे एक दो ऐसे ऐसे लाइन है तो ये सिर्फ दर्शाता है कि इनके जीवन में भाग दौड़ रहेगी, भाग दौड़ वाला इनका जीवन रहेगा, तो इनके लाइफ में भाग दौड़ बनी रहेगी। एक बार विदेश के भ्रमण के योग हैं अच्छे खासे, यहाँ से एक लाइन चल के लक लाइन में, क्योंकि मिल नहीं पाई वो, जब मैं लक लाइन पाऊँगा बताऊँगा, ये एक विदेश का योग दर्शाता है इनके पाम पे। इनके पाम में लक लाइन में भी कुछ एक खास बात है, वो भी मैं दिखाऊँगा जब इस पे आऊँगा। इनके पाम में बहुत सी ऐसी खास बात है जो इनको बहुत रिच और बहुत अच्छा बना सकती है, लेकिन साथ साथ इनके पाम पे बहुत रुकावटें भी हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, राहु लाइन बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्ब की हुई है इनके लाइफ में, वो जब मैं जीवन रेखा और पागी रेखा पे आऊँगा मैं क्लियर रूप से समझाऊँगा। ये शुक्र है, मैंने शुक्र के बारे में बताया ही पहले कि जब ऐसा शुक्र है तो थोड़ा बहुत लाइफ में सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ता है जीवन में। और ये आप देखिए, ये जब ऐसा मंगल रहे तो मंगल इनका ठीक है, मंगल इनका वीक नहीं है, मंगल इनका अच्छा ही है, तो अच्छी मतलब हेल्थ वाइज ये ठीक रहेंगे, लेकिन कभी कभी ये बीमार भी रह सकते हैं क्योंकि जीवन रेखा पर बहुत ज़्यादा राहु लाइन ने काटा हुआ है और मंगल पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की लाइनें हैं। आप देखिए ये सब जब ऐसी लाइन बने तो लाइफ में, चूँकि ऐसी लाइन बने तो वैसे इंसान को किसी ना किसी प्रकार की टेंशन हमेशा लगी रहती है उनके जीवन में, क्योंकि एक मंगल रेखा इनके पाम पे ऐड की हुई है, तो ऐसे मंगल रेखा जब रहे तो उनके जीवन रेखा के पावर को बढ़ाता है, कितना बड़ा भी प्रॉब्लम आ जाए तो वैसे लोग बर्दाश्त करके उसको टेकल कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं, और वो ये भी झेली होंगी ज़रूर, इनके लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी तो ये झेली होंगे। अब इनके पाम पे इनके थंब को देखिए, इनका थंब फर्स्ट पोर तो ठीक है इनका, एक इनके पाम के हिसाब से फर्स्ट पोर ठीक है तो एक हिम्मती स्वभाव रहेगा, व्हील पावर अच्छी रहेगी, लेकिन सेकेंड पोर थोड़ा सा वीक है, जब ऐसा सेकेंड पोर रहे थोड़ा सा वीक रहे और
थोड़ा मतलब बहुत भड़कदार नहीं है, तो वैसे में इनको हमेशा प्रॉब्लम आता होगा कि इनको लोग बाग परेशान करते होंगे, इनको लोग बाग ठग के चले जाते होंगे, इन पर इल्ज़ाम लग जाता होगा और इनको परेशानी उस इल्ज़ाम के थ्रू इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। ये जो गलती नहीं की होंगी उनका भी इनको इल्ज़ाम लग सकता है, मतलब अपने जो इनके हित हैं उनकी रक्षा करने में ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हिम्मती नेचर है तो वो वहाँ से भी वो ठीक हो जाएगा और कुछ इसके लिए मैं माइंड की शांति के लिए मैं इनको दूंगा, जिनसे इनका वो भी प्रॉब्लम मेरे समझ से ठीक हो जाना चाहिए। फिर मैं इनके जीवन रेखा पे आता हूँ। ये इनका जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, दीर्घायु योग आ रहा है और जब ऐसा जीवन रेखा हो तो ऐसे इंसान अपने लाइफ को अच्छे खासे जॉयफुल तरीके से जीते हैं। लेकिन साथ साथ बहुत पीरियड में इनके राहु लाइन काफ़ी ज़्यादा इनको डिस्टर्ब की हुई है, तो वैसे जब ऐसा राहु लाइन लगे तो ये सब डिस्टर्बेंस दिखाता है। ये लगभग 12 साल के एज का डिस्टर्बेंस है और ये भी आप देखिए, ये यहाँ से भी देखिए इनके पाम पे बहुत ज़्यादा राहु लाइन है, बहुत ज़्यादा। ये पहली एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। ये एज आपको मैंने एक एक यहाँ पर से भी है, एक 12 साल की एज की थी, ये लगभग आपका 23 साल की एज की थी, ये लगभग आपका 27-28 साल के एज की है, नहीं सॉरी ये 12 साल की एज की थी, ये लगभग 18 साल के एज की है, ये लगभग 22 साल के एज की है, ये लगभग आपकी 24 से 26 के बीच की है। तो वर्तमान 26 में ये परेशानी की सामना करना इनको करना पड़ रहा है और एक राहु लाइन ये छोटी सी है, चूँकि साथ साथ एक प्रोग्रेस लाइन भी है, तो ये लाइन तो ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं डालेगी। ये भी लगभग आपके 31 के वर्ष की राहु लाइन है, लेकिन ये ज़्यादा उतना टेंशन नहीं देगी चूँकि साथ साथ प्रोग्रेस भी है। तो इनके लाइफ में उन्नति का योग इनका क्वेश्चन भी था। आपका 30 के बाद ये एक तो आपका कुछ समय के लिए 26 के बाद 27 के बाद थोड़ी थोड़ी उन्नति आपको दिखेगी, लेकिन साथ साथ बीच में राहु लाइन थोड़ी थोड़ी काटी हुई है तो फिर 29 में थोड़ी सी परेशानी आएगी। लेकिन 30 के बाद आपके जीवन में वैसा कोई राहु लाइन का बहुत मेजर दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ कुछ दिक्कतें हैं छोटी छोटी, देखिए एक ऐसी चली एक यहाँ से चली, तो वो छोटी छोटी, ये अगर उपाय करने से ये इसमें इसकी डेंसिटी में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, तो ये कोई उतना प्रभावी नहीं डालेगी। हो सकता है कि समय के साथ ये राहु लाइन मिट भी जाए, उतना कोई परमानेंट नहीं है और साथ साथ इतना प्रभाव इसलिए भी नहीं डालेगी, साथ साथ प्रोग्रेस भी है। देखिए 2, 3, 4, 5 प्रोग्रेस है आपके जीवन में, तो 31 वर्ष के आयु में है, 33 वर्ष के आयु में है, 38 वर्ष के आयु में है, 40 वर्ष के आयु में है, नहीं सॉरी 31 वर्ष के आयु में है, फिर आपका 34 वर्ष की आयु में है, फिर आपका 40 इयर्स की आयु में, फिर आपका 45 के आयु में है, फिर आपका 52 के आयु में है। इस आयु में लगभग 52 पामिस्ट्री एक आध साल का डिफरेंस हो सकता है, इस समय आपका प्रोग्रेस है, तो कंटिन्यू आप प्रोग्रेस करिएगा, तो निश्चिंत रहिए 30 के बाद आपके जीवन में अच्छी खासी सफलता आपके हाथ से दिख रही है। और आपको मैं एक आज नई चीज़ बताना चाहूँगा, इनका राहु का क्षेत्र आप देखिए, ये क्षेत्र इनका दबाव आपको प्रतीत होगा। जब ऐसा किसी का राहु का क्षेत्र दबा हुआ है तो ऐसे लोग के लाइफ में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम, उनको धोखा देने वाले इंसान बहुत मिलते हैं, उनसे ठगाई करने वाले, उनके धन संपत्ति को लूटने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जब ऐसा क्षेत्र बनाओ किसी का राहु का, ये जिनका राहु गड़बड़ है इनको प्रॉब्लम होगी इस मायने से, इस मायने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है कि लोग बाग इनको परेशान करेंगे और लोग हमेशा नुकसान देंगे। अब मैं इनके लक लाइन पे आता हूँ। देखिए लक लाइन इनका बहुत बढ़िया है, एक जगह का टूटी हुई है लगभग, ये आपका एज 28 के वर्ष के आसपास टूटी हुई है, फिर यहाँ से सीधी चली है। लेकिन इतना बढ़िया लक लाइन होने के बावजूद इनके जीवन में बहुत रुकावटें हैं। क्यों? आप इनके लक लाइन को गौर से देखिए, कितनी ज़्यादा कट की हुई है राहुल लाइन ने। अब हर एक लगभग तीन, एक एवरेज ले तो 4 साल के अंतराल पर इनके जीवन में हमेशा इनके राहु लाइन का कट है। तो जब ऐसी कुछ बनी हो तो इंसान अपना जीवन सुकून से जीने में उनको बहुत तकलीफ होता है, समय समय पर उनके लाइफ में रुकावटें आती रहती है, उनको फील नहीं होता कि कहाँ से क्या कर रही हूँ जो इनके में लाइफ में इतनी रुकावटें आ गई। समय समय पर रुकावट का इनको सामना करना पड़ सकता है इनके जीवन में, चूँकि लक लाइन है तो वो चीज़ें निकल जाएंगी, लेकिन एक परेशान तो इनको करके ही जाएगा, वो चीज़ परेशान तो इनको टाइम टाइम पर करेगा और इनसे बात हुई तो इनको समय समय परेशानी मिली ही है, पर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम ये देखी है। तो चूँकि आपके जीवन रेखा में प्रोग्रेस है तो थोड़ा बहुत लक के मामले में थोड़ा बहुत बाधित रह सकता है आपका जीवन समय समय पर, लेकिन ये राहुल लाइन है आपके पाम पे तो उतनी कोई बहुत कि ज़्यादा तो है इनके लाइन, राहु लाइन तो है, तो जब ऐसी लाइन लें तो देखिए मैं झूठ बोल के कोई कार्य नहीं करता, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप हिम्मत बना के रखें, 31 साल के बाद आपके जीवन में सफलता है तो लाइफ लाइन का आपको लाइफ लाइन से प्रोग्रेस दिख रही, प्रोग्रेस होगा तो साथ साथ आप अपने तो आपके लाइफ में रुकावटें भी आएंगी, तो उसको बता आप नज़रअंदाज करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है
और भगवान का स्मरण करते रहना है। मैं बताऊंगा किस भगवान का पूजा करना है, तो वहां से कुछ आपके मेंटली पीस मिलेगी आपको और आप अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। और अब इनके माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन उनका बहुत बढ़िया है, तो इतना रुकावट होने के बावजूद जब ऐसा माइंड लाइन हो तो वैसे में 100% वैसे लोग अपने लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आए वैसे लोग उनको जी लेते हैं और वैसे लोग उनका सामना करना कर लेते हैं। भगवान अब सब चीज़ तो सबके पाँव पर ख़राब नहीं दे सकते, उनको जीने के लिए कुछ तो चीज़ उनको देनी होती है अच्छी, और आपके पाँव पर तो बहुत सी पॉजिटिव इंडिकेशंस भी है, बहुत नेगेटिव भी है तो बहुत पॉजिटिव भी है। तो ये ऐसी जब माइंड लाइन है तो वैसे लोग माइंड के बहुत संतुलित होते हैं। बहुत प्रॉब्लम इन्होंने देखा अपने जीवन में लेकिन अभी तक ये बनी हुई है, क्यों? इस माइंड रेखा की वजह से। और इनके हार्ट लाइन भी आप देखो, इनका हार्ट लाइन भी थोड़ा सा यहाँ से दबाव भरा है, फिर यहाँ से फिर ठीक है। जब ऐसा हार्ट लाइन दबाव भरा हुआ रहे, जब यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया, यहाँ से भी आप देखो थोड़ा डार्केश है, तो दिल की भी इमोशनली बहुत ज़्यादा वो लोग हर्ट होते हैं हमें लाइफ में, दिल की भी ऐसे इंसान बहुत कमज़ोर होते हैं। तो मैं इनको बताऊँगा कि आप दिल को हिम्मत बनाए रखें, आप एकदम ताकत बनाए रखें कि आपकी लाइफ में कितना ही प्रॉब्लम आ जाए आप उसको थोड़ा संभालिए। आप संभाल भी रही हैं, आगे भी आप संभाल सकती हैं। ये आपका तकलीफ है लगभग ये आपका 33 के एज तक, उसके बाद फिर हार्ट लाइन भी स्मूथ है, आप चीज़ों को समझ जाएंगे और फिर आप के लाइफ में सारे चीज़ स्मूथ हो जाएंगे। फिर अब इनके पाम पे, अब मैं सूर्य पर्वत पर कुछ चीज़ें बच गई थी, ये आप देखिए, ये सूर्य पर्वत पर एक ट्रायंगल बची हुई है, एक बनी हुई है, ये भी आपको 40 के एज के आसपास प्रॉपर्टी का योग दर्शा रही है। यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी के योग आ रहे हैं, यहाँ से भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आ रहे हैं, यहाँ भी एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। और आपका लक लाइन भी दर्शा गया हुआ, सरकारी क्षेत्र से लाभ और आपको राजनीतिक क्षेत्र से लाभ, ये भी दर्शा रहा है। फिर आपके पाम पे एक इंडिकेशन आप देखिए, ये आपका जो शुक्र वलय है ये पूरा नहीं हो पाया, ये मीडियम में आया, यहाँ से आया यहाँ तक, ठीक है। जब ऐसा शुक्र वलय बने, इधर से कुछ शुक्र वलय नहीं दिख रहा मेरे को, तो जब अर्ध बने तो इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता जीवन पे, कहीं ना कहीं इसके फल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है इंसान का दिमाग अस्थिर नहीं रहेगा, कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है, कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है, तो उसके ज़्यादा थिंक नहीं करना है आपको, हमारी तरफ से सजेशन रहेगा आपके लिए। फिर आपके पाम पे एक चीज़ है और, आपको मनी ट्रायंगल, आपके पाम पे अच्छी खासी मनी ट्रायंगल भी बनी हुई है, ये देखिए। तो 200% अपने लाइफ में आप पैसा ज़रूर कमाओगे जब ऐसा मनी ट्रायंगल बने और एक सन लाइन के साथ भी बने हुआ, वी सेप भी लिया हुआ है आपका सूर्य लाइन लक लाइन के साथ, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है राहुल लाइन के साथ, तो इनका जो फल है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जब लाइन है, जब इंडिकेशंस हैं, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो जब है तो ज़रूर आपको इनके फल आपको इसके जीवन पे आएंगे, और आप जितना आप एक्सपेक्ट करिएगा उस आधार पे तो मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, बट एक श्योरिटी ज़रूर दूंगा कि आपके जीवन में भी आपको सफलता देखने को ज़रूर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, 30 के बाद आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, ये कोई नहीं बता सकता कि आप कितना कमाओगे, काउंट करके बताना ये पॉसिबल नहीं है, लोग बात बता देते हैं, वो उस पर मैं नहीं जाता, मैं अपना, मेरा एक अलग थ्योरी है, मैं उसके आधार पर काम करता हूँ। मैं ये ज़रूर बता दूंगा कि आपके पाम पे सक्सेसफुल का योग, हाँ यही पाम अगर बहुत साफ सुथरा रहता तो 200% अच्छे योग आपके पाम पे थे, अच्छे इंडिकेशंस थे, 200% आप बहुत अमीर बनते, लेकिन आप अमीर ज़रूर बनोगे, निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये इंडिकेशंस जो आपके पाम पे, ये नॉर्मल इंडिकेशंस नहीं है। तो ऐसा इंडिकेशंस वाला इंसान को ज़रूर उन्नति मिलता है जीवन में, क्योंकि राहुल लाइन और समय समय पर, मान लिया जाए आप 1,00,000 रुपया कमाओगे तो आपका 80,000 खर्च हो जाएगा, लेकिन 20,000 बचेगा ज़रूर, आप कमाओगे 1,00,000 रुपये ज़रूर। आपके पाम पे दो दो लक लाइन का साथ मिला, एक लक लाइन यहाँ भी देखिए, ये भी आपके लाइफ में अच्छा खासा उन्नति दिलवाएगा, इसका भी एक्टिवेशन पे 27 के आस बात का ही है, तो यहाँ से भी एक अच्छी खासी आपके लाइफ में उन्नति दिखेगी। दो दो जब ऐसे दो लक लाइन रहे तो इंसान को विदेश से भी संबंध आते, विदेश के भी या घर से बाहर के भी संबंध आते हैं, एक एक लक लाइन यहाँ से भी जुड़ गई, क्योंकि ये मिटी हुई है तो इसका पूर्ण फल नहीं आएगा, लेकिन एक लक लाइन का साथ देने वाला एक लाइन ज़रूर आया, तो ये भी आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। तो राहुल लाइन है आपके पाम पे, लेकिन उसको काटने के लिए कुछ और भी लाइन है, बट राहुल लाइन बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं आपको। तो आप टेंशन मत लीजिए, अपने लाइफ को अच्छे से जीइए, आपके लाइफ में 31 के बाद अच्छी खासी प्रोग्रेस है, आप अच्छे से समझदारी से अपने लाइफ को बिताएं और टेंशन मत लीजिए। मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है उनके उपाय ज़रूर आपको बताऊंगा। आई होप हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।